बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बालाघाट, टीकमगढ़, दमोह और सागर में रेड अलर्ट। रीवा, शहडोल संभाग के साथ कटनी, जबलपुर में ऑरेंज अलर्ट। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, छतरपुर में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पन्ना, विदिशा, रायसेन और होशंगाबाद में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बैतूल, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, चंबल संभाग में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही राजधानी भोपाल, हरदा, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर में भी भारी बारिश हो सकती है। नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने एक और चक्रवात के चलते मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के हालात बन रहे हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी करी है। रेड के साथ ऑरेंज और येलो अलर्ट भी हैं। मौसम वैज्ञानिक ममता यादव मैम है। मैम, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का अनुमान है, रेड अलर्ट भी जारी किया गया, क्या कुछ कारण रहे? देखिए, हमारे प्रदेश के पास जो झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है वहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है और जो मानसून की द्रोणिका है वो मानसून का जो ये जो लो प्रेशर एरिया है उसे होते हुए नॉर्थ बे ऑफ बंगाल तक जा रही है। तो इस जो कम दबाव का जो क्षेत्र है इसी के प्रभाव स्वरूप, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूर्वी मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं उनको आज अलर्ट पे रखा है। और उसमें कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे टीकमगढ़ हुआ, सागर, दमोह हुआ, इन वाले ज़िलों को हमने रेड अलर्ट में दिया है। और बाकी ज़िले जो आपके जबलपुर संभाग में हैं, बालाघाट को छोड़कर, बालाघाट में हमने रेड अलर्ट दिया है और बाकी ज़िले जो हैं जिसमें जबलपुर संभाग है और कुछ ज़िले शहडोल संभाग के, उनको येलो और ऑरेंज अलर्ट में हमने रखा है आज के लिए। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आने वाले 48 घंटों में मौसम की गतिविधियों में वृद्धि होगी और कहीं कहीं पर हमें अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। बात करें कि पिछली बार जिस तरीके से सिस्टम बना था और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हमने देखा था एक दो दिन में ही भारी बारिश हुई थी, इस बार जो सिस्टम बना है क्या ये भी इतने स्ट्रांग है या फिर किस तरीके से देखने को लग रहा है? देखिए, सिस्टम तो ये भी काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है और अभी झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में है और इसका मूवमेंट होने की आगे जब ये बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश की तरफ आएगा और वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश वाले एरिया में आने की इसकी संभावना है। उसी को ध्यान में रखकर हमने अलर्ट लगाया है और जो कि एक्चुअल जो रेनफॉल अमाउंट होंगे वो तो रियलाइजेशन के बाद ही पता चलेंगे, बट हाँ, सिस्टम काफ़ी एक्टिव होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये अलर्ट प्रदेश में रखा है। ये थी मौसम वैज्ञानिक ममता यादव मैम। उनको साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से सिस्टम बने हैं उन्हीं के कारण उन्होंने जो है अलर्ट मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में रेड अलर्ट है तो कुछ जिलों में ऑरेंज और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन कमलेश यादव के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।